आई वॉन्ट की तारा तुमसे शुरू करते हैं, जल्दी से स्क्रीन शेयर करो। हाँ यार तारा, तो एक बार जल्दी से स्क्रीन शेयर कर लो एंड आई वॉन्ट टू सी कि क्या प्रोग्रेस रही है। कुछ डाउट्स तुम्हें आ रहे हो तो बताना। ओके सर। हेलो। यस सागर। एक्सक्यूज मी सर। यस तारा। सर मैं देख रहा स्क्रीन। हाँ यार तुम्हारी स्क्रीन देख रही है। ये रहा। तो हियर इज तारा, हियर इज व्हाट आई वांट यू टू डू। सबसे पहले तुम डेमो दोगे कि क्या हो गया है, उसके बाद बताओगे कि वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला, एंड फाइनली अगर कोई डाउट होगा या कंफ्यूजन होगी तो वो चीज़ बताओगे। तो सबसे पहले डेमो, उसके बाद वीडियो से क्या क्या सीखा, एंड थर्ड क्या क्या कन्फ्यूजन है या फिर क्या नया, मतलब बस क्या कन्फ्यूजन है, दैट्स इट। प्लीज गो अहेड। ओके तो सर सबसे पहले तो ये रहा डेमो और कंप्लीट नहीं हो पाया इसलिए, और दूसरा चीज क्या था डेमो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करो कि क्या क्या इसमें किया हुआ है तुमने, क्या छूटा हुआ है। ओके तो इसमें सबसे पहले तो ये मैंने एक बैकग्राउंड इमेज ऐड किया हुआ है जो कि ये कैक्टस वगैरह और सन वगैरह का इमेज है। फिर उसके बाद मैंने एक ट्रैक डॉट पी एन जी करके एक अप्लाई किया है फोटो, तो उसको मैंने सबसे नीचे नीचे रखा है और यहाँ पर देख रहे हो एक स्पेस छुटी हुई है। तो यही मेरा डाउट है कि मतलब मैं शिवांश ट्राई कर रहे थे कि कैसे क्लियर आउट ओवर हो नहीं रही थी हमसे। फिर मैंने एक कार को लिया है, उसके दोनों पहियों को अलग कर दिया है, मतलब जैसे कि वीडियो में दिखाया था। फिर वो पहियों को मैंने अपने इस कार के एकदम बराबर लेफ्ट और राइट जैसे कि है वहां पर अप्लाई कर दिया। क्या क्या चीजें छूटी हुई हैं इसमें तो सबसे पहले तो एक एनिमेशन छूटा हुआ है जिससे कि ट्रैक आगे बढ़ता हुआ दिखता है और कार हमारी वहीं रहती है। और कुछ? और ये जो नीचे ना वाइट पे वाइट कलर का गैप दिख रहा है ना, वो फिल आउट होना चाहिए, मतलब ये कैसा छोटा है। ठीक है, मेक सेंस। सेकंड क्वेश्चन है, वीडियो से क्या क्या नया सीखने को मिला है, कैसा रहा एक्सपीरियंस वीडियो से सीख के? हाँ तो वीडियो तो अच्छा था, मतलब उससे एनिमेशन अगर थोड़ा और कंप्लीट हो जाता मेरा तो एनिमेशन वगैरह मेरे को सीखने मिलता। और फिर जो प्रैक्टिकली मैंने आज सबसे पहली बार यूज किया अच्छी तरह से पोजीशन को, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार है ये रिलेटिव में और ये जो पहिए दोनों एब्सोल्यूट में उस कार के। मेक सेंस। तो थोड़ा सा पोजीशनिंग तुम्हें क्लियर हुई और बियॉन्ड एग्जाम्स की वीडियो देख के? यस सर। ऑल राइट यार। एंड थर्ड क्वेश्चन, तुम्हें क्या क्या ऐसे कन्फ्यूजन या डाउट्स हैं जो तुम्हें लग रहा है अभी वीडियो देखने से क्लियर नहीं हुए हैं? हाँ तो वीडियो देखने से मुझे ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये बराबर है, लेकिन यहाँ पर इसमें जो ये ट्रैक है ये ट्रैक यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा है, बस ये कन्फ्यूजन है। ठीक है यार, तो आई वांट, क्या इसके बिना तुम आगे बढ़ सकते हो? सर समझा नहीं। क्या ये जो स्पेस छूटी हुई है ये अगर ऐसे ही रहे तब भी तुम आगे कर सकते हो ना? वेल शायद हो सकता है क्योंकि मैंने देखा नहीं पूरा वीडियो, ट्राई नहीं किया। तो आई वांट कि आज क्लास में रह के खत्म करने की कोशिश करो ये पूरी अपनी वीडियो देख के, ठीक है? ओके सर। एंड एक बार इसको नेटलिफाई पे डिप्लॉय किया क्या अभी तक? हां ये चल दी। नो सर गिटलैब पे किया हुआ है तो नेटलिफाई पे टाइम नहीं लगेगा। तो नेटलिफाई पे सबसे पहले नेटलिफाई पे डिप्लॉय करके आज एक ट्विटर पोस्ट या लिंक्डइन पे पोस्ट कर दो कि मैं ये चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं अलोंग विद बियॉन्ड एग्जाम्स की वीडियो जहां से देख के बना रहे हो। ओके सर। ठीक है, तो आई वांट कि क्लास खत्म होने से पहले तुम वो ट्विटर पोस्ट का लिंक WhatsApp ग्रुप पे या मीट पे डाल दो। सर ट्विटर जरूरी है? नहीं, कोई भी सोशल मीडिया हो सकता है। ओके सर Instagram चलेगा। बियॉन्ड एग्जाम्स की वीडियो जहाँ से सीख रहे हो एंड ये जो कर रहे हो इसका नेटलिफाई लिंक या स्क्रीनशॉट जिससे लोग देख सकें तुम्हारा रियल में काम। ओके सर। बता देना दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस जहाँ पे कार एनिमेशन सब कुछ दिखेगा, अपने हिसाब से देख लेना। यस सर। एंड ट्राई करो कि वीडियो पूरी देख के एनिमेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लो जितना जल्दी हो सके। ओके सर। ओके नेक्स्ट है प्रणव। गुड वर्क यार तारा, आई थिंक सही जा रहे हो, बस थोड़ा सा आई थिंक यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लेते रहोगे और हम लोग तुम्हें बाकी चीज़ें सिखाते रहेंगे तो 3 मंथ्स में काफ़ी कूल कूल प्रोजेक्ट्स भी तुम्हारे हो जाएंगे एंड कोई रोक नहीं सकता एक अच्छी इंटर्नशिप वेब डेव की मिलने से, करते रहो काम। नेक्स्ट प्रणव,
यस सर, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ यार, प्रणव के बाद नेक्स्ट है सागर, तो सागर प्लीज बी रेडी। हेलो सर। हाँ यार, सर मेरा ये पूरा अभी तक तो हुआ नहीं है। मैंने बेसिकली उसकी तरह सेम मैं PNG वो सब लिया, और वो पैडिंग वीडिंग में कोडिंग कर रहा था। इसमें मैं वो वीडियो देख रहा था, वो एक एक चीज़ मैंने थोड़ा सा अलग भी मतलब ट्राई करने की कोशिश की। मीन्स ग्रेट। फॉर एग्जांपल CSS का मुझे है ना दो तीन चीज़ें है ना वो क्लियर नहीं थी, उसके कारण मेरा क्लियर हो गया। मतलब नॉन रिपीट, कवर क्या होता है, वो सब मैंने खुद का पहले क्लियर करवा लिया। वो क्या होता है वो पता नहीं था। मीन्स नॉन रिपीट से क्या एक्चुअली क्या है वो वेरी गुड। तो वो प्रणव, एक चीज़ ये कि कमेंट करना आता है क्या CSS में? तो कमेंट। हाँ वो W3 स्कूल से मैं कॉपी पेस्ट करता था। 10th लाइन के बाद एंटर दबाओ जरा। 10th लाइन के बाद एंटर अब कंट्रोल स्लैश दबाओ। कंट्रोल सॉरी ये क्या हो गया। उसको क्लोज कर दो, स्टाइल्स डॉट CSS के बगल। नहीं, यहाँ से, हाँ क्लोज कर दो। जो तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा के नीचे क्वेश्चन मार्क वाले बटन पे जो स्लैश होता है, हाँ कंट्रोल हाँ स्लैश। हाँ, तो यहाँ पे ओके हाँ ये कमेंट हो गया है ना। तो आई वांट को ये जो छोटी छोटी चीज़ें नई तुम्हें सीखने को मिली, नो रिपीट, कवर, ये सब, यस सर। इसके ऊपर एक लाइन छोटी सी लिख दो कि नो रिपीट से क्या हो रहा है, या बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट से क्या हो रहा नो रिपीट से वो इमेज मतलब अभी इसमें है। जो आई भी समझ थिंक में आया वो चीज़ अपने हिसाब से वहाँ पे कमेंट कितना लिख दो, कवर के लिए भी लिख दो और हर चीज़ के लिए लिख दो। ऐसे ही जो जो हाँ तुम्हें नया सीखने को मिला, जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट किया है कहीं पे, कहीं पे रिलेटिव किया है, कहीं पे नो हाँ रिपीट किया है, कहीं पे कवर किया है, आई थिंक ये नई नई चीज़ें पता चली ना। हाँ मतलब ये मेरे लिए तो ये नया था बैकग्राउंड रिपीट वाला। हाँ, तो जो जो और नई चीज़ें थी उनके ऊपर कमेंट कर देना एक बार हाँ कि कर क्या ये, दूंगा। क्या कमेंट करना है कि उससे क्या समझे तुम, सिर्फ उसका नाम नहीं। हाँ नो रिपीट से वो हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो, ठीक है? इमेज रिपीट नहीं होती। तो लिख दो ये इमेज रिपीट नहीं होगी। ग्रेट। ऐसे ही बाकी जगहों पे भी कमेंट कर हाँ देना। एक बार डेमो हमें फिर से दिखाओ पूरा। डेमो हाँ ये और मतलब तो फिर से फॉर्मेट बता दे रहे हैं। सबसे पहले तुम्हें डेमो एक्सप्लेन करना है क्या क्या इसमें किया है, सेकेंड एक्सप्लेन करना है वीडियो से क्या क्या नया सीखा, और थर्ड एक्सप्लेन करना है क्या क्या कन्फ्यूजन है, डाउट है। इसमें मैंने बेसिकली मैंने ये VS कोड से ज़्यादा कोडिंग नहीं की। इंस्पेक्ट करके ना मैं एडजस्टमेंट इससे ज़्यादा किया मैंने रिसेंटली। तो वेरी गुड ये यार, दैट इज अ ग्रेट वे टू गो। ज्यादातर वेब डेवलपर्स ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं विजुअल स्टूडियो कोड हाँ में, फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट से पूरा मॉडिफाई करते हैं। तारा और बाकी सब ये चीज थोड़ा सा प्रणव से इतना करने की कोशिश करना कि जो छोटे मोटे चेंजेस हैं वो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके सही करने की कोशिश करो, जब सही हो जाए तब विजुअल स्टूडियो कोड में उसको अप्लाई करो। ग्रेट प्रणव। जैसे मेरा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा था कि ये जैसे अभी तारा का भी आ गया, उसका वो लाइनिंग मतलब ये इमेज के नीचे ये इमेज एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो मैं वो एक एक चीज टाइप नहीं कर सकता था उधर VS कोड में। तो ऐसा मैं एडजस्ट कर लेता था थोड़ा थोड़ा, बाद में हर एक चीज़ में ड्रैग ड्रॉप करके वो चीज़ का अलाइनमेंट। फॉर एग्जांपल तारा का ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसका थोड़ा सा इधर पे गैप है ना तारा, या ऐसा है थोड़ा सा, तो वो मैं हाइट से एडजस्ट किया। ये इशू मतलब मेरा भी फेस आउट हुआ, क्योंकि वो वीडियो में स्टार्टिंग में हम तो कैसे हम लोग बैक टू बैक वो जैसे कर रहे हैं वैसे हम लोग करते गए, लेकिन बाद में मैंने एडजस्टमेंट इधर से देखी कि एक एक चीज़ ऐसा नंबर टाइप करने से अच्छा मैं यहाँ से ऐसा इंस्पेक्ट करके एडजस्ट करूँ। वो एक चीज़ मुझे यहाँ से अच्छी लगी इंस्पेक्ट से। और दूसरी मेरा आधा काम तो बाकी है, हर एक इमेज का मैंने एडजस्टमेंट मैंने इंस्पेक्ट थ्रू ही किया ग्रेट प्रणव। और क्या ऐसा कोई दिक्कत या कंफ्यूजन हुई जो तुम्हें लगा कि वीडियो से सॉल्व नहीं हो पाई, या फिर तुम्हें जानना है बट पता नहीं चला? है। नहीं सर वो थोड़ा सा पार्ट बाकी है एनिमेशन का, वो कंप्लीट करके मैं ये कर दूंगा गिटलैब पे पूरा एक ही बार में पोस्ट कर दूंगा। नहीं यार, एक बार में नहीं करना है, हर एक छोटी छोटी चीज के बाद पुश किया करो। तो फॉर एग्जांपल अगर तुमने रोड ऐड की हाँ और रोड सक्सेसफुली ऐड हो गई तो उसको पुश कर दो। ओके अगर तुमने कार ऐड की तो उसको पुश कर दो, कमिट मैसेज में लिख देना एडेड कार टू व्यू। अगर ओके तुमने कुछ और चेंज किया, फॉर एग्जांपल कार की पोजीशनिंग पोजीशनिंग चेंज की, तो छोटा सा और कमेंट डाल दो, चेंज्ड पोजीशनिंग ऑफ कार। जितने ज्यादा कमिट हो उतने अच्छा होता है, जितना कम कमिट हो उतना खराब होता है। ओके
है, तो अभी जैसे ही तुम्हारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो सबसे पहले पुश करो गेटलैब पे, नेटलिफाई पे डिप्लॉय करो और फिर आगे काम करो। ओके सर, एंड आई वांट कि आज क्लास खत्म होने से पहले एटलीस्ट 3-4 तुम्हारे और कमिट्स हो जाने चाहिए वीडियो देख देख के। हाँ जैसा तारा से बोला वही चीज़ तुमसे ही बोल रहे हैं, क्लास खत्म होने के पहले या फिर मीट पे या फिर व्हाट्सएप पे आई वांट कि एक सोशल मीडिया पोस्ट चला जाए कि तुम क्या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, किस बियॉन्ड एग्जाम्स वीडियो से बिल्ड कर रहे हो, और अपना नेटलिफाई का लिंक डाल देना उसमें और स्क्रीनशॉट भी, एक ट्विटर, ओके सर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा कहीं भी डाल सकते हो। ट्विटर, ठीक है यार, थैंक यू सर। दैट्स इट, लेट्स सी कैसा करते हो। नेक्स्ट सागर, प्लीज प्रेजेंट द स्क्रीन। सागर के अलावा और किसी ने भी ट्राई किया यहाँ पे क्या, ये जो बियॉन्ड एग्जाम्स की वीडियो भेजी थी उससे पढ़ के? हैंड रेज करो एक बार अगर किसी और ने भी ट्राई किया है। शिवांश ने ट्राई किया, और किसी ने भी ट्राई किया है? निखिल, लक्ष्मण, जैनिक, जैनिक तो छुट्टी पे था 2 दिन। ओके नो इश्यूज। लक्ष्मण तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है सागर, प्लीज स्टार्ट कर। ओके सर, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है मेरा। ओके, एंड दिस इज द कोड। डेमो यार एक्सप्लेन करो पहले कि क्या क्या इसमें हो गया है, क्या क्या कैसे कैसे किया है। किसमें ये जो आउटपुट निकला है? हाँ यार, ओके, बेसिकली तो इसमें मैंने 3 से 5 इमेज तक यूज किए हैं। व्हील्स के लिए अलग इमेज, एंड कार के लिए अलग, एंड बैकग्राउंड एक पूरा सेपरेट एंटिटी की तरह यूज किया हुआ है। एंड यहाँ ट्रैक यूज किया हम लोगों ने, ये सारी चीजें रोटेशन, बेसिकली ट्रैक और जो टायर्स हैं उन पर हम लोगों ने रोटेशन अप्लाई किया हुआ है, रोटेशन का एट्रीब्यूट सीएसएस में, ताकि ऐसा फील हो कि ये इमेजेस घूम रहे हैं। एंड और ज्यादा मोशन शो करने के लिए हम लोगों ने इसमें की फ्रेम्स में रोटेशंस का यूज किया है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर जो कि मुझे इसमें थोड़ा सा इशू डाउट है। एंड ये दिस इज द होल एचटीएमएल जो कि मैंने मतलब अगेन जैसे कि प्रणव ने ही मुझे सिखाया था, इंस्पेक्ट करके कैसे कॉपी, इंस्पेक्ट करके कैसे छोटी मोटी डिटेल्स पे काम करना है। एंड अगेन मैंने यूट्यूब पे देखते देखते ही थोड़ा बहुत कोड करते करते इतना किया है। ग्रेट यार। एंड एंड इसमें जो मुझे इश्यूज फेस हुए वो है एनिमेशन वाला टैग, टैग नहीं बोल सकते उसको, एनिमेशन वाला जो भी एट्रीब्यूट है, की फ्रेम, और इसमें मेरी ऑडियो नहीं आ रही है, जबकि मैंने सेम जैसे उसने प्रोसीजर किया था मैंने किया, लेकिन ऑडियो नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, एक बार ये जो डाउट्स हैं व्हाट्सएप पे लिख दो। और वीडियो से क्या क्या नया सीखने को मिला तुम्हें? काफ़ी कुछ सर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि मेरा बेसिक थोड़ा वीक है क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मेरे बेसिक काफ़ी सारे क्लियर हुए। फॉर एग्जाम्पल लिंक के लिए शॉर्टकट मिलना, या एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिला कि पोजीशनिंग का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं यहाँ पर, एब्सोल्यूट वगैरह का। एंड जेएस, इसके पहले हम लोगों ने कोई खास जेएस का काम नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पर जेएस एंड सीएसएस में की फ्रेम्स जैसे ये कुछ नई चीज़ें सीखने मिली। इवन दो आई हैव अ डाउट इन दिस, बट देन टू ये नया था, काफ़ी नया था। ग्रेट यार, यही प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स ही तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर आई वॉन्ट कि लाइक ये चीज़ें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि लाइक वॉट इज की फ्रेम एंड ये कैसे वर्क करता है। एंड ये जो यूनिट्स यहाँ पे यूज हुए हैं, सॉरी ये तो डिग्री है, VW, एंड स्पेशली ये हाइट में जो VH यूज हुआ था उसका मतलब, लाइक मैंने VH वाला नहीं सुना था इसलिए मेरे को नहीं पता, हो सकता है ये कॉमन चीज़ है लेकिन देन तो मुझे नहीं पता क्या ग्रेट क्या यार, होता तो जो भी, तो VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट और VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ। इन चीजों को लिख दो तुम वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में कि क्या क्या तुम्हारे इश्यूज आए हैं, के या सर। फिर जो तुम्हें लगता है अभी क्लियर क्लियर नहीं हो पाया इवन दो तुमने यूज कर लिया है। और हम लोग तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सार्थक सर को बुला के एग्जैक्ट तुम लोग की चीजें क्लियर करवा देंगे, वो और ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। चलेगा सर, ग्रेट सागर, फाइनली पहला ऐसा मेरे ख्याल से टास्क है जिसमें तुमने सबसे पहले किया और परफेक्टली किया। एक्चुअली ये पहला ऐसा टास्क है जिसको मैंने कंप्लीट किया है। एक बार कार एनिमेशन अपना फिर से दिखाना ओके सर, यार। तो इसमें जो पहिए हैं वो थोड़ा सा डगमग डगमग ही चल रहे हैं। क्योंकि डगमग डगमग मतलब उसमें सेम ऐसा ही कोड था, ऐसे ही चल रहे।
ठीक है, कैन यू चेंज द कार एंड द इमेज एंड द रोड? यस सर। आई वांट की एंड गिटलैब पे पुश किया है? नहीं सर अभी नहीं किया, ये एक ही दिन में, कल मेरे को एक ही दिन मिला बनाने के लिए, तो कल एक ही दिन। आई वांट की गिटलैब पे पुश करो, नेटलिफाई पे डिप्लॉय करो, श्योर सर, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कमिट्स किया करो आगे से। ओके सर। एंड ट्राई करो कि जब नेटलिफाई पे पुश कर दो तो अगेन सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दो कि मैंने ये बिल्ड किया है, क्या बियॉन्ड एग्जाम्स की वीडियो देख के किया। ओके सर। एंड ये कार, ये इमेज, ये स्क्रीन बैकग्राउंड सब कुछ चेंज कर दो एक बार। क्या सर? सब कुछ चेंज कर दो मतलब बैकग्राउंड पीछे का चेंज कर दो, रोड चेंज कर दो, कार चेंज कर दो, पहिए चेंज कर दो। ओके सर। लेट्स सी कि कैसा दिखता है। चलेगा सर। ओके दैट्स इट यार, ट्राई करो, इस क्लास में ही कर लो, अब बाकी देखते हैं। ओके सर। अब शेयरिंग कर। शिवांश योर टर्न, स्टार्ट प्रेजेंटिंग जितना जल्दी हो सके। दिख रही है शिवांश माय स्क्रीन। जय हिंद शिवांश। हेलो सर। जय हिंद सर। जय हिंद शिवांश। सो ये मैंने इसमें मैंने किया है, मैंने इसमें बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैंने कुछ ऐसा भी किया है कि जैसे कि इसमें जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी चेंज होती है, और मैं ट्राई कर रहा था कि ट्रैक का भी जो है वो भी चेंज हो, बट इसमें थोड़ा इशू है कि ट्रैक में मतलब मेरे शायद से इसके बॉर्डर पर वाइट कलर है इसलिए नहीं हो पा रहा है वो, तो उसे मुझे ठीक करना है ये वाला चीज़ जो भी इसे वाइट हो जा रहा है ना ये चीज़। और मैंने बैकग्राउंड किया है, और मैंने जो स्क्रीन इंटायर स्क्रीन हिलती थी उसे भी चेंज किया है, मतलब सिर्फ गाड़ी और वो रोड हिलती हुई दिखाया है। वेरी गुड यार, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो अब ये चीज़ कैसे की चेंजेस तुमने जो खुद से किए। हाँ सर, तो सर मैंने इसमें मतलब बहुत सारा चीज़ की फ्रेम्स मतलब बहुत सारा यूज़ हुआ था, तो मुझे उससे एक आइडिया आया था कि मैं इसे डे नाइट मतलब मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर पाऊँ, तो उसे मैंने एक बार ट्राई किया था 0% पे एक जो मतलब बैकग्राउंड थी वो नॉर्मल बैकग्राउंड, और उसे 100% पे एक नाइट का इमेज मतलब एक रात होने वाला कोई एक इमेज डाल दिया था, और उसे मैंने जब की फ्रेम्स में डे नाइट डाल के और जो कि मेरा डे नाइट जो स्काई पे था उसे मैंने एनिमेशन इसमें भी डाला जो कि 10 सेकंड लेता है टोटल मतलब चेंजेस होने में, वो मैंने इसमें चेंजेस किए थे। वेरी गुड यार, उसके बगल में इनफाइनाइट क्या लिखा है? मतलब ये इनफाइनाइट होता रहेगा कि इसका कोई लिमिट रुकना मतलब एक टाइम के बाद रुके नहीं। ग्रेट यार। यस सर, मुझे एक चीज़ और ऐड करना था कि जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट और किया था जिसमें मैं माउस का लेफ्ट की प्रेस करूंगा तब थोड़ा एनिमेशन होता है, जैसे कि मैंने एक प्लेन का देखा था वीडियो जिसमें प्लेन जब प्रेस करते हैं तो वो प्लेन उड़ता है मतलब फ्लाई होता है, मुझे इसमें ऐसे ट्राई करना था कि रोड की स्पीड जो है उसे मैं अपने माउस के लेफ्ट की से कंट्रोल कर सकूं। ये भी कर सकते हो कि जब माउस का लेफ्ट क्लिक करें तो कार एक बार जंप कर जाए हवा में। हाँ सर, मैं मतलब मैंने देखा है और मैं आज ऐसा ट्राई करूंगा सर, वो मुझे ट्राई करना है। वेरी गुड शिवांश, तो एक बार जो बियॉन्ड एग्जाम्स का वीडियो देखा उससे बता सकते हो थोड़ा और कि व्हाट डिड यू लर्न न्यू जो तुम्हें पहले नहीं? हाँ सर, मैंने इसमें एनिमेशंस के बारे में मतलब ये चीज मैंने बहुत ज्यादा सीखी जो कि मुझे पहले लगता था कि सिर्फ जीएस में जो वीडियो मतलब एनिमेशन होते तभी हो सकते हैं, पर सीएसएस में मुझे मतलब बहुत कम पता थे, अभी मेरे को ज्यादा पता चला इससे। राइट यार, एंड ये प्रोजेक्ट करके कैसा लगा? सर ये तो मस्त है एकदम प्रोजेक्ट, मस्त है ना। तो अगेन तुम्हारे लिए भी वही, गिटलैब पे पुश करो, अभी तक पुश किए, कमेंट्स किए हैं बहुत सारे? नो सर, अभी कुछ नहीं किए। तो सुना था ना प्रणव को जब बता, yes, जितना ज्यादा हो सके आगे से उतना ज्यादा कमेंट्स करना, हर छोटी छोटी चीज चेंज करके, अगर वो कोई फीचर इम्प्रूवमेंट हो रहा है जैसे कि तुमने कार ऐड कर दी yes, तो एक नया कमेंट कर देना कि एडेड कार, रोड ऐड कर दी एडेड रोड, एनिमेशन ऐड कर दिया इन रोड एडेड एनिमेशन इन रोड, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कमेंट्स करो। एंड अभी स्क्रीनशॉट बंद करने के बाद आई वॉन्ट की सबसे पहले गिटलैब पे पोस्ट करो, नेटलिफाई पे डालो, एक पोस्ट करो अपने फेवरेट सोशल मीडिया पे कि मैं ये चीज़ बिल्ड की है, एंड yes, वो वीडियो भी डाल दो, वीडियो का भी लिंक, स्क्रीनशॉट भी, नेटलिफाई का भी लिंक, एंड yes, ग्रुप पे या फिर मीट पे शेयर करना। यस ठीक है। एंड तुम्हारे लिए एक टास्क ये है, वही चीज़ कि माउस क्लिक जब करें तो कार जंप करके वापस आए। यस सर, ये चीज़ आज की क्लास में ही ट्राई करो करने का। यस सर। ओके, वेरी गुड वर्क, आई थिंक शिवांश तुम में सबसे ज्यादा आई वुड से इम्प्रूवमेंट दिखा है हमें बिफोर यू ज्वाइन द क्लास एंड अभी। यस, सो रियली गुड वर्क, बंद कर यस, म्यूट भी कर लो। यस, तो बाकी जैनिक एंड निखिल तुम दोनों के लिए यार ट्राई करो खुद से आज पूरी क्लास में। निखिल तू कहाँ पे है, लैपटॉप से कर रहा है कि मोबाइल से कर रहा है? आई थिंक निखिल ज्वाइंट नहीं है, बस म्यूट करके बैठा हुआ है। एंड जानिक तुम क्लास में हो ना सर? ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके, आई वांट कि अभी तारा और प्रणव का छूटा हुआ है,
आई वॉन्ट कि जब तक तारा और प्रणव अपना एनिमेशन वाला कर करें तब तक तुम पूरी वीडियो देख के पूरा बिल्ड करके दिखा दो उनसे पहले, तो हमें पता है बस ट्राई कर लो जल्दी से। चलो सब लोग काम करो एंड हम कनेक्टेड हैं कॉल पे, तो देखते हैं किसका नेटलिफाई पे पहले पुश होके दिखता है। गुड लक। तो स्टूडेंट्स ऑफिशियली यार तुम लोग की क्लास खत्म हो गई है, तो अभी सबने तो नेटलिफाई लिंक एंड गिटलैब पुश करके नहीं भेजा है। आई वॉन्ट कि तुम लोग क्लास में थोड़ा सा देर और रुक जाओ अगर रुक सकते हो, एटलीस्ट नेटलिफाई पे पुश करके लिंक यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो एंड बस ये यार। तो आई वॉन्ट कि जाने से पहले सब लोग गिटलैब पे पुश करके नेटलिफाई पे डाल दो। ठीक है, जय हिंद एवरीवन। कल जय हिंद सर, बाय सर, बाय बाय।